नमस्कार, आज के समाचारों में आपका स्वागत करती हूँ। पेश है आज के मुख्य समाचार। एसटीपीसी ने कहा, कनाडा की तरह भारत सरकार भी मांगे माफी। पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति ने की दूसरे व्यक्ति की निर्मम हत्या। अब खबरें विस्तार से। पूरे उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी है, वहीं इस गर्मी का सामना सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में आने वाले श्रद्धालुओं को भी करना पड़ रहा है। इस वक्त अमृतसर का तापमान 44 डिग्री को छू रहा है और इस भयंकर गर्मी से निजात पाने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। वहीं श्रद्धालु सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं, जहां इस तपती गर्मी में जमीन पर पांव रखना मुश्किल है। वहीं सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब की परिक्रमा में बिछाए गए टाट पर चलकर गुरु घर के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। इस दौरान एसटीपीसी द्वारा श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। तो बहुत है, मगर इधर मंदिर में थोड़ी भी गर्मी नहीं लग रही है। सुविधा ज्यादा है, सब पंखे बिंके की पानी डालना, तो सुविधा ज्यादा है, ठंडी गर्मी नहीं लग रही। अमृतसर में गर्मी तो ज्यादा ही है हर साल की तरह, मगर यहाँ का बंदोबस्त जो है, गुरु के यहाँ माथा टेकने आए हैं, मगर इतना बंदोबस्त अच्छा है कि जो वो गर्मी जो हमें कुछ भी सहन नहीं करनी पड़ती। पानी भी सब कारपेट पे छिड़क रहे, ठंडे पानी की सुविधाएं हैं और पंखे भी इतने हैं कि साइड में बैठे हैं छांव में तो अच्छा लग रहा है। बहुत गर्मी है लेकिन बहुत अच्छी सुविधा है, सारी कुछ अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कॉपरेटिव है इधर, बहुत अच्छा लग रहा है। वो अच्छा है, गर्मी थोड़ा गर्मी बहुत है, बहुत है। अंदर में अरेंजमेंट्स भी अच्छा किया है, प्यास लगने तो उधर पानी भी देता है, पर अच्छे से अंदर में दिखा था है, अच्छे से करा है, अरेंजमेंट्स किया है। गर्मी बहुत है अमृतसर में, तो इसके लिए अंदर पंखे बहुत अच्छे तरह के अरेंजमेंट हुए हैं, बहुत प्राउड है, लेकिन हम इसके हिसाब से भी अच्छा देख सके। पानी के फैसिलिटी बहुत अच्छे हैं और पंखों का और मैट्स का बहुत अच्छे दिखा है। अगे नालों भी पहला भी रफ्तार नालों तेजी नाल मतलब जोड़ा है वध रहा है। पर सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे पुजन वाली संगतों लिए श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों खास करके प्रबंधकों वालों विशेष प्रबंध किए जाते हैं। श्री हरिमंदर साहब पुजन वाली संगत जीडिया ने परिक्रमा के विशेष तौर पर जोड़े आ पायदान किस्म के टाट जोड़े ने छाए हुए हैं और उन्होंने जोड़ा पानी है जल है वह लगातार जोड़े सेवादार उन्होंने ठंडी रूप के ठारन वो वरतते रेंगे ने। दिहाड़ी से 3-4 बार जो पानी उन्होंने टाट पर पाया जाता जो तुरन वाले व्यक्ति को परेशानी का सामना करना ना पवे। फर्श जोड़ा है पत्थर जोड़ा तप जाता है, वो मतलब तुरना मुश्किल हो जाता है। इस करके जोड़े विशेष तौर पर जोड़े पायदान ने टाटे भी पुल के उत्ते विशेष तौर पर एक ऐसी किस्म की शमियाने किस्म की छत है जिद करके धुप तो उ असर ही नहीं करती और उ बहुत गिनती के जोड़े है ना वो पखे लगाए गए हैं और संगत में जो खड़ना भी पै जाता है तो वो बड़े आराम के नाल मतलब खड़ सकती है और उतो बड़ी ठंडी किस्म की जी हवा उन्होंने सारे शरीर भी छूँदी है और सिर पर भी पैंती है और मतलब इस तरह का कोई गल नहीं कि उ 2 मिनट जो कोई खड़ेगा तो उन्होंने कोई गर्मी का एहसास हो। जरूर है कि संगत की बहतौत करके संगत के वध जाने करके अंदर दर्शनों लिए थोड़ा बहुत समा वध लग जाता है। गुरदासपुर के स्कूल गुरु रामदास अकेडमी में 12वीं कक्षा में पढ़ते 131 बच्चों ने जब इम्तिहान दिया तो किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि नतीजा इतना अच्छा आएगा कि 113 बच्चे मेरिट में आएंगे, लेकिन ये हुआ। और स्कूल के डायरेक्टर तथा प्रिंसिपल का कहना है कि इस अच्छे नतीजे के पीछे स्कूल स्टाफ, बच्चों और इनके माँ बाप की मेहनत है जो इतना अच्छा नतीजा आया। आपको बताते चलें कि इन्हीं नतीजों में इसी स्कूल में पढ़ते ऋषभ दीप ने 100% नंबर लेकर पंजाब में पहला स्थान हासिल करने में कामयाब हुए हैं। साडा गुरु रामदास सिंह सेकेंडरी स्कूल औजला गुरदासपुर के प्लस टू के विद्यार्थी 130 विद्यार्थी पढ़ते हैं साइंस ग्रुप के, जिदे विच्चों एक बच्चा 100% नंबर लैके फस्ट आया वा और 113 बच्चे 130 90% नंबर लैके वधिया पोजिशन लैके पास होए ने। रिजल्ट बहुत वधिया आया वा जिदे विच टीचर की स्टाफ की बहुत ज्यादा मैनेजमेंट की बहुत लगन नाल उन्होंने मेहनत कराई आ
वो करके सारा रिजल्ट पंजाब चो मेरे ख्याल में पहले नंबर पर होगा। उन्होंने बच्चों से भी बहुत खुशी का माहौल आ, उन्होंने माँ प्यो बड़ा खुशी का माहौल आ, तो स्कूल तो बहुत ही ज़्यादा खुशी का उदन का माहौल आ, क्योंकि उदन का काफ़ी बच्चों टीचरों बहुत उत्साह मिलया वा कि वाकया मेहनत कराने इन्ना ज़्यादा साडा हौसला वध्या। हमारे स्कूल का रिजल्ट है बहुत अच्छा रिजल्ट आया इस बारी, और हर साल ही बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, पर ये बड़े ही मान की बात है कि एक बच्चा ऋषभदीप सिंह जिसने 100% मार्क्स हर सब्जेक्ट में लिए हैं, इवन कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चा इतना सिंसियर था कि वो गेम्स में भी फेंसिंग में उसने नेशनल प्लेयर रहा है और उसने बहुत ही अच्छा अपना दिखाया, रिजल्ट दिखाया। इसके साथ बाकी बच्चे भी जो अपीयर हुए हैं, 130 स्टूडेंट्स हमारे स्कूल के अपीयर हुए हैं और उसमें मोस्टली बच्चों ने फर्स्ट डिवीज़न लिया है, अबव 90% बहुत बच्चों के 16 बच्चे जो हैं वो अबव 90% से पास हुए हैं। और इस बात का मैं क्रेडिट देती हूँ स्टाफ मेंबर्स को, पेरेंट्स को, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और बच्चे इस मकाम पे पहुँचे हैं। और मैं साढ़े स्कूल विचों 113 बच्चों ने टॉप किया है जिन्हों विच मैं भी एक हाँ। इन्हें मेरी इस मेहनत पिछे मेरे टीचर्स और प्रिंसिपल मैम का बहुत बड़ा हाथ है। मैं चाहती हाँ कि मैं BSc करके कुछ उच्चे अहदे पर पहुँचा। मैं नर्सरी तो हूँ तक अपने गुरु रामदास सीनियर सैकेंडरी विच भी पढ़ी हाँ और मेरे पिता जी एक PN हैं। मैनू फख्र है कि मैं उन्होंने बेटी हाँ, मैनू इस तरह कोई गल नहीं है। इस स्कूल ने सानू बहुत वधिया शिक्षा दी, मेरे पेरेंट्स भी बहुत वधिया इन्होंने ट्रीट किया, जिस करके मैं बहुत खुशी है कि मैं स्कूल की विद्यार्थन हाँ। मैं चाहनी है कि मैं पढ़ लिख के अपने घरद्या का नाम रोशन करा ताकि उन्होंने भी हर कोई दुनिया में जाने। अमृतसर के गुमताला में हुई 2 तारीख को बब्बू की मौत की गुत्थी पुलिस द्वारा सुलझा ली गई है। हालांकि बब्बू की मौत एक राज ही बनी रहती अगर मृतक की बेटी मौत की चश्मदीद ना होती। गुमटाला में नाई का काम करने वाले बब्बू नामक युवक की 2 मई को रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। बब्बू के भाई बलविंदर सिंह ने बताया कि वह उसी दिन बब्बू से मिला था। कुछ ही समय के बाद उसे जानकारी मिली कि बब्बू की मृत्यु हो गई है। पूरा परिवार समझ नहीं पाया कि आखिर बब्बू को हुआ क्या। अचानक उसकी मौत के बाद सभी टूट चुके थे। उन्होंने समझा कि उसके भाई की मौत साइलेंट अटैक की वजह से हुई है, तो उनके द्वारा मृतक का संस्कार कर दिया गया। पुलिस द्वारा अब अस्थियों से मौत के कारणों को खोजने की कोशिश की जाएगी। मैं सुबह 4:30 बजे सैर करने जाता हूँ सर, डेली की तरह। मेरे भाई ने, मृतक वाले ने मेरे को खुद चाबी दी थी घर की ताले की, और मैंने ताला खोल कर बाहर गया सैर करने के लिए। 5:15 बजे मेरे को सर उधर से गाड़ी गई और गाड़ी में मेरा साला और मेरे बेटा था बड़ा, दोनों मेरे को उठा कर गाड़ी में से ले आए इधर घर। और आते ही मैं देखा तो मेरे भाई की डेड बॉडी पड़ी हुई थी सीधी बिल्कुल। और फिर हमने जब 2-3 दिन के बाद बेटी ने से मुंह से सुना कि मेरे घर में कुछ 2 लड़के अमन छाते आए हैं और उन्होंने मुंह में पट्टा बांधा हुआ है, और उसके बाद में वो बताती है कि मेरे को एक चॉकलेट दिया, टॉफ़ी दिया, भुजिया दिया खाने के लिए, और वो अंदर मम्मी के साथ गए और उन्होंने भाई के मेरे के मरने वाले पे गले में रस्सा डाल कर खींचा और वो बोलती है लड़की भाग गए। उसके बाद में मेरी मम्मी ने उसके पे सीने पे मुक्के मारे, और इसी तरह हमारे को पता चला जबकि उसके प्रूफ में मिले हैं, जबकि वो लव मैरिज किसी के साथ प्रेमी के साथ बात कर रही है, उसमें 7 मिनट की रिकॉर्डिंग है, और मरने वाले मेरे भाई ने उसके साले के साथ भी कुछ बात की है जो वो बता नहीं रहे हमारे को सच्ची बात क्या है। बेटी की उम्र है 4 साल, उसका नाम है जोवनप्रीत कौर। पुलिस से ये मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे को बिल्कुल इंसाफ दिया जाए, मेरे भाई की जो आत्म इच्छा है वो पूरी हो और वो इस दुनिया से भगवान के चरणों में सही सही सलामत जाए। मैं उसको पूरा चश्मदीद गवाह मानता हूँ और अपनी भाभी को पूरा यकीन से कातिल मानता हूँ। मेरी भाई का नाम बब्बू सिंह है, वैसे तो उसका नाम भाभी का है सुखवंत कौर, हम इधर का गुरुद्वारे से नाम रखवाया है रजवंत कौर, वैसे उर्फ रिम्पी है, और शादी इनकी 2007 में हुई थी। तो मम्मा ने मारा थी। किसको? पापा मुक्के मारे थी थोड़े पहले, तो अंकल वन पापा ते तो गला, तो अंकल आए थे उन्होंने कट लत्ती पाई थी, वन पापा ते तो गला ते टिक्की थी, मम्मा ने पुआ खोलिया थी,
तो अंकल आए थी, उन्होंने फोन किया थी, फिर मम्मा तो फोन ला के थी, मम्मा ने तो बाता बात करता थी कि उसका भाई बब्बू सिंह जिसकी मृत्यु 2 मई 2016 को घर में ही हो गई थी और सारे परिवार वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था और उसके एक हफ्ते बाद इसको बलविंदर सिंह को शक हुआ कि उसकी उसके भाई की मृत्यु का कारण उसकी पत्नी या उसकी पत्नी ने कोई साथी किसी को बुलाकर उसे कत्ल किया है। तो इस कंप्लेंट को हमने ले लिया है उसके और इस हमने इसी में जांच शुरू कर दी है। जो मरने वाला था उनकी एक छोटी 4 साल की बच्ची थी, वो बच्ची ने बच्ची जो बता रही है कि उसको भी हमने नोट कर लिया है, उसके उसको भी हम जांच में एक अहम रोल अदा करेगी। वह हमने जो मरने वाले की जो आफ्टर उसके क्रीमेशन जो हड्डियां थी जो वो हम जांच के लिए हम कब्जे में ले रहे हैं और उसको हम फोरेंसिक जांच के लिए भेजेंगे और हमने सभी से पूछताछ कर ली है, कॉल डिटेल वगैरह निकलवा रहे हैं और जैसे भी जो हमें इंक्वायरी के दौरान जो रिपोर्ट सामने आएगी उसके अकॉर्डिंग अगली कार्रवाई होगी। 102 साल पहले हुए सिखों को जहाज से उतार देना और काम करने के बाद सरकार से पैसे ना मिलने पर मारे गए सिखों से कनाडा के प्रधानमंत्री के द्वारा माफी मांगकर भारत सरकार की चिंता बढ़ा दी गई है। वहीं एसजीपीसी के सेक्रेटरी सरदार दलजीत सिंह बेदी का कहना है कि जो कनाडा के प्रधानमंत्री ने सिखों पर अन्याय पर माफी मांगी है उसे हम स्वीकार करते हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब में हुए 1984 सिख कत्लेआम तथा विवाद पर भारत सरकार ने अभी तक माफी नहीं मांगी। आज तो 102 साल पहला कुछ सिखां दा वफदी रूप दे विच एक विशेष जहाज राही कनेडा जाना और उतों दी जाके सरकार को पनाह मंगनी और सरकार वालों पनाह ना दिती जानी ते उन्हां सिखां नाल जो दुर्व्यहार होया वो एक सिख इतिहास का दुखदाई कांड है। इस दुखदाई साके संबंधी जड़ा होना उतों के प्रधानमंत्री ने समुचे सिख जगत को माफ़ी मंगी है और इस घटना एक रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज किया गया है। असं ये समझते हैं कि बड़ी विशाल दली दी खुले दिल वाली और बड़े वड़े जिगरे वाली गल है और उतों की सरकार वालों एक किया गया फैसला स्वागत योग्य और ये जिन्नी भी प्रशंसा की जाए थोड़ी है पर चाहिए ये भी इस तरह नाल धक्केशाइया कीतियां और कतलोगारत किए हुए जुल्मों के संबंध में जिमें 1984 जो इतने वापरिया भारत के और जिस तरह सिखां को खो के मारिया गया है जिन्ना कतलेआम किया गया है उसकी अज तक मतलब जी हिंदुस्तान सरकार ने अपने संसद के माफ़ी नहीं मंगी और उस तर्ज पर कनेडा की सरकार की तर्ज पर भारत सरकार भी चाहिए है कि विशालदली विखाद 1984 के होए दंगों की और कतलोगत की जी खुल दिली ना माफ़ी मंगनी चाहिए है और यह साड़ी मंग भी है। समुचे सरकार की जिम्मेवारी बनती है जोड़ा भी प्रधानमंत्री हों उस वेले का हो इस वेले का हो वो सरकार ने जोड़े उतों के टोडो ने माफ़ी मंगी उस वेले का तो नहीं प्रधानमंत्री वो मैं समझदा भी जिहड़ियां सरकारां दी नीति आ वो बड़ी स्पष्टता वाली होनी चाहिए भावें घटना पहला वापरी है वो वापरी तो साढ़े देश से है तो वो देश दी सरकारां जिहड़ियां ने उहदे लई जिम्मेवार होंदियां जिहड़ा अजे तक उहदा इंसाफ नहीं हो सकिया कोई उहदा अजे तक दोषी नहीं फड़े जा सके तो इस करके उह सरकार नूं मतलब इहदी असफलता वाली भी समझ लो। वैसे अमृतसर में देर रात बटाला रोड पर पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की हत्या करने का मामला सामने आया है। करीब कुछ माह पहले उसका झगड़ा कुछ व्यक्तियों के साथ हुआ था लेकिन उसको लेकर उनका दोनों में विवाद खत्म हो चुका था, परंतु अचानक कल मृतक एक दुकान से नींबू लेने के लिए पहुंचा और वहां पर घात लगाए बैठे व्यक्तियों ने उन पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं पता चला है कि मारा गया व्यक्ति गन्ने के रस का ठेला लगाता था और उसकी 3 बेटियां भी थी तथा खूनी भी उसके पास में ही काम करता था। वहीं मृतक के घर वालों ने जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की प्रशासन से मांग की है। इस दौरान एसीपी
सरदार गुरनाम सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा धारा 302 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। आंदा सी ओदी सामने तरबूज वाले नाल पता नहीं की गलबात हुई है। असीं मौके ते आए, जांच कर रहे हैं। उन्हें उन्होंने छुरियां मार के तो भज गया। उहदा भरा जिहड़ा वा असीं ले लिया पुछगिछ वास्ते। ये राम आसरे है जिहड़ा मरना अजे उहदी जांच कर रहे हैं। नहीं इहदे बारे कोई इतला नहीं आपां। इधरों सामणों आ डिया सी, इधरों बाइक ते मेरा फुफड़ मेरा इधर चिकन लैण आया सी। उन्होंने एक्टिवा लाई तो इधर तो दो बंदे आ जिहड़े तरबूज वाले हैगे आ इहदे आ इन्हों का नाँ तो नहीं पता मैनू। इतना तजिंदर सिंह एक नाँ वा तो एक दूजा हैगा जी। उन्हें छुरियां मारिया इन्हों के इतने कर जिला गुरदासपुर के गांव डंडवा में रहने वाले डैनियल मसीह का कहना है कि वह एजेंसी राव के कहने पर डेरा बाबा नानक बॉर्डर से पाकिस्तान जासूसी के लिए चला गया था, जिसके पश्चात पाकिस्तान हुकूमत ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वर्ष 1993 से 1997 तक करीब 4 साल तक जेल में बंद रहा और पाकिस्तान सरकार ने उसे जी भर के टॉर्चर भी किया तथा वर्ष 1957 में वह समझौता एक्सप्रेस के माध्यम से भारत पहुंचा, लेकिन अभी तक उसके परिवार को सरकार की ओर से कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई। अब वह अपने परिवार का पालन पोषण रिक्शा चलाकर करता है, जबकि उसने पंजाब सरकार और भारत सरकार से मांग की है कि उन्होंने जिंदा बचकर आने वाले किसी भी जासूस को कुछ नहीं दिया। क्यों इन परिवारों को सरबजीत और कृपाल की तरह आर्थिक सहायता नहीं दी गई? क्यों भारत सरकार ने उनके साथ सौतेला व्यवहार किया है? मेरा नाम डैनियल है जी। मैं पिंड डंडवा का रहने वाला। मैं 1993 पाकिस्तान डेरा बाबा नानक तो क्रॉस किया और राज एजेंसी के चक्कर में फंस के अं पाकिस्तान गए। राज एजेंसी सानू भेजा जासूसी करने वास्ते और 1993 मैं फड़िया गया। 1997 मैं इधर आया वापस। उधर इधर आने सानू कोई सहायता नहीं मिली, कोई मदद नहीं मिली। इस तरह के सरबजीत सिंह, कृपाल सिंह, रूप लाल इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की, बहुत ज़्यादा सहायता की गई है। उस तरह सानू भी सहायता मिलनी चाहिए और सानू कुछ नहीं मिलया। मेरे छोटे छोटे बच्चे ने मैं रिक्शा चला के अपना टाइम पास करता रहा। एजेंसी ने साड़ी वो ही उन्होंने सानू आखिया तुम सब्ज बाग खाया जी, तुम नौकरी मिलेगी, तुम फड़े जाओ, तुम वो देंगे जे देंगे और मिलया कुछ भी नहीं। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਹੀ ਸਨ 90 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਣ ਲੱਗੇ ਆ, 90 ਸਨ 'ਚ ਘੱਲਣ ਲੱਗੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਰਾਜ ਏਜੰਸੀ ਗੁਫੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਆ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਅਤੇ ਅੱਗਾ ਗੁਲਾਬਪੁਰ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਆ ਧਣੀਆਂ ਕੇ ਭੀੜ ਕੇ ਤਾਣੀ ਘੱਲਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਡੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੰਨ 1999 ਸੰਨ ਦੀ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਘੱਲਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਗੋਰਾ ਜਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਟੰਗ ਟੰਗ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ, ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਹੋ ਜਿਹਾ ਬੈਂਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੱਸੇ ਬੰਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਨਾ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਬੜਾ ਘਰ ਟੰਗ ਟੰਗ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀ ਗੁਫੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਘੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਕਾਗਜ਼ ਸਾਡੇ ਘੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਾਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਘੱਲਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੁੜੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਘੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਦੇਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ पिछले दिनों पंजाब के कैबिनेट मंत्री सरदार बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के द्वारा आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया था, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह तथा दुर्गेश पाठक का नाम था। वहीं आम आदमी पार्टी के MP सरदार भगवंत मान के द्वारा अमृतसर में दिल्ली जाने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें उन्होंने कैबिनेट मंत्री सरदार बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को खुलकर निमंत्रण दिया कि वह उन पर केस दर्ज करवाएं। साथ ही उन्होंने बताया कि मजीठिया के विदेशों से किसी व्यक्ति के साथ ताल्लुकात हैं और वह किस तरह से विदेशों से नशे का कारोबार करता है। वहीं उन्होंने मजीठिया का नाम कैनेडा में रह रहे सत्ता के साथ भी जोड़ा। बिक्रमजीत सिंह मजीठिया मन्ने परमन्ने ड्रग डीलर, फिर कहूंगा मैं
ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਡਰੱਗ ਵੇਚਦਾ ਡਰੱਗ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਚਿੱਟਾ ਕੌਣ ਵੇਚਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜੀਠੀਆ ਕਰੋ ਕੇਸ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੇਤਾਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਦਿਊਂਗਾ ਕਦੋਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਸੀ ਸਿਆਟਲ ਉਤਰੇ ਸੀ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਬਾਈ ਰੋਡ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਇਕੱਲੀ ਕੈਬ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਉਹਦੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ भारत पाकिस्तान की जंग में शहीद माने जाने वाले सैनिक सरदार बलविंदर सिंह के घर में खुशी आई है बलविंदर सिंह की बेटी बलजेंद्र कौर के मुताबिक कि वह देश की सबसे बदनसीब बेटी है जिसके पैदा होने के बाद ही उनके पिता शहीद होने की खबर आई उनका कहना है कि उन्हें पता ही नहीं चलता अगर पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर आए कैदियों ने उन्हें बताया ना होता कि उनके पिता जिंदा हैं और वह पाकिस्तान की कोर्ट लखपत राय में उनसे मिले हैं अब बलजिंदर कौर ने विदेश मंत्रालय से लेकर स्थानीय प्रशासन तक को पत्र लिखकर बलविंदर सिंह को भारत वापस लाने की अपील की है और कहा है कि वह अपने पिता को पाकिस्तान की जेल से वापस लाकर ही रहेगी बलजिंदर कौर पिंड चंबा कलां मेरे पापा सिपाही बलविंदर सिंह जिन्होंने 1971 की जंग लड़ी सी पर सानू उन्हां दा कोई भी प्रूफ नहीं किया अज तक गौरमेंट ने ना ही उन्होंने डेड बॉडी दी ना ही उन्होंने आस्तियां दित्तियां ना ही कोई संस्कार के फोटोज कुछ नहीं मिले सानू असी उदों तो ही इंज ही सोचते रहे भी शायद वो अज भी आउणगे जदों ही पाकिस्तान तो छुट के अपने भारतीय कैदी आउंदे सी मैं ते मेरी मम्मी उदों ही पाकिस्तान बाघा बार्डर ते जांदे सी पर जदों पापा नहीं आउंदे सी फिर वापस आ जांदे हुण मैनू 2 मई नू पता लग्या कि सर मैनू किसी ने कहा कि तुसीं सरजीत सिंह दे परिवार नू मिलो ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੜਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਆਊਗਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ
बुला के इतने जरा इन्हों इन बारे सारा कुछ पूछा गया पर इन्हें अज तक यह है साढ़े चब्बे तो रिलेटिड ने इन्हे रैलेटिव भी इतों के ने पर इन्होंने सानू अज तक इस बारे कुछ भी नहीं दसिया। अमृतसर की पाल एवन्यू में एक नई बन रही कोठी के बीच काम करने वाले लेबर और ठेकेदार की किसी बात को लेकर तकरार हो गई लेकिन कोठी के मालिक ने दोनों का राजीनामा करवा दिया लेकिन आरोपी ठेकेदार अश्विनी कुमार वहां से गुस्से से चला गया और कुछ देर बाद अपने दोस्तों के साथ हथियारों के साथ वापस आया और गुरजीत सिंह लेबर के सर पर गोली मार दी। गुरजीत सिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस संबंधी पुलिस ने आरोपी अश्विनी कुमार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पाल एवेन्यू जी कोठी काम करन दा ही उत्ते ये प्लास्टर करन दा ही और दूसरी पार्टी जिहड़ी ओ वायरिंग दा काम करन दा ही ओ इन्हां ताजा प्लास्टर कीता ही ते ओ मुंडे ने डक्या भी ना दे जमरा ठेकेदार ने भी ना ढाओए गल कर लियो शहर के बंदे जमा कहते भी करना ही करना है तो उदू मैं हो गई मुड़ के उत्थे मालिक भी उन्होंने समझा के घर में बुलाता उन्होंने भी तुम कल आ जाओ चल जाओ ये जमा फिर घरों आए रफलां लैके तो एक आल्टो गड्डी एक मोटरसाइकिल स्कूटर से अंकुश अश्विनी तो साहिल नाल इन्होंने पाँच सत्त पांच छत बंदे इन्होंने आँदे जमरा भी फैर करने शुरू कर दते बाहर निकलो ये गुरजीत छत के उत्ते काम कर लिया मौके उत्ते जमरा भी चुके ब्रदर ही नाल ठेकेदार दरबार सिंह लैके हस्पताल आ गए इतने इन्हें इन्हें सख्त तो सख्त कार्रवाई होगी गरीब परिवार इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए है जोड़ा गुंडागर्दी का नंगा नाच होया जमरा भी इंसाफ चाहते जी तो चलो निबड़े गल राजीनामा हो गया उत्ते बाबू ने नबेड़ता तो अभी माफी मांग ली कि चलो गलती हो गई है गलती हो गई तो चल गए फिर तो मुंडे लेंदे रखला लिया उन्होंने रफला लिया गोली चलाती उन्होंने तह कटे तो कोठे तो ही मुंडा कोठे फिर थले आ गया तो गोली बजी कहते मैं हस्पताल लै जाए तो घर आ गया अभी लिया मोटरसाइकिल से भाग छेती छेती गोली बजी कितने गोली सिर से बजी ना रफल जी चगावा रोड के उपर पाल एवेन्यू है जिथे गणेश कुमार अपना नवे घर की उसारी करवा रहा है तो अज एक सूचना मिली है कि जो ये कंस्ट्रक्शन करवा रहे ने मजदूर उन्होंने लगाए हुए थे तो एक उन्होंने बिजली का काम भी नाल चल रहा घर के तो ये बिजली के काम जोड़े कर रहे सोनू तो अंकु एक नाम है जी अंकुश साहिल तो अंकिश इन्हों की मजदूर के नाल कोई झगड़ा हो गया कि असी काम करने लैके झगड़ा हो गया तो इस झगड़े के चलद ये दोनों लड़कियां ने अगों होर मुंडे सद के तो मजदूर के नाल झगड़ा किया तो उन्होंने जे किसी लड़के ने नाल ये अपने वैपन भी लैके आए थे तो इन्होंने बारह बोर की गन के नाल फायर किए ने जो एक लेबर है अजीत सिंह अजीत सिंह से फायर लगा है तो फायर लगन तो बाद हॉस्पिटल लैके आए ने परंतु यदि इतने मौत हो चु हो गई है तो असी ये ब्रदर का बयान लैके धारा 302 IPC तहत मुकदमा दर्ज कर रहे हैं तो जी अगली तफ्तीश असी शुरू कर दी गई दोषी उदों अपने मौके तो हथियार समेत उदों जो फायर करने तो बाद उतों मौके तो भज गए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। SGPC ने कहा कनाडा की तरह भारत सरकार भी मांगे माफी। पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति ने की दूसरे व्यक्ति की निर्मम हत्या। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। कल मिलेंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक ली दीजिए इजाजत।